हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन आई कम विद यू सप्लीमेंट्री रीडर मूवमेंट बुक ऑफ क्लास 9। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू विद यू चैप्टर नंबर 7 एंड द चैप्टर द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लास्ट लीफ एंड दिस चैप्टर वॉज रिटन बाय ओ हेनरी। हियर आई एम मनिंदर कौर फ्रॉम एलजेब्रा क्लासेस। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर द लास्ट लीफ। यहाँ पे जो लास्ट लीफ का क्या मीनिंग है बच्चे, ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे दो यंग आर्टिस्ट हैं, स्यू एंड जॉन्सी हैं। जो जॉन्सी है वो बीमार हो जाती है, उसको फेमोनिया हो जाता है, बट उसके घर के बाहर, उसके विंडो के बाहर उसे वहाँ पे एक क्रीपर है, जहाँ पे वो क्या देखती है कि उस क्रीपर के जो लीव सारे वो निकल रही है। एंड शी थॉट अगर उसका ये लास्ट जो लीफ है अगर वो गिर गया तो देन शी विल ऑल्सो डाई। बट देयर इज़ अ ट्विस्ट इन द स्टोरी। तो लेट आई डिस्कस विद यू वट वॉज द ट्विस्ट। सो आई एम बिगिनिंग विद दिस चैप्टर। Sue and Jonesy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. Jonesy fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She sent for a doctor. Although he came every day, there was no change in Jonesy's condition. तो बच्चे यहाँ पे किसकी बात हो रही है? स्यू एंड जॉन्सी, ये टू यंग आर्टिस्ट है जिन्होंने वहाँ पे एक छोटा सा फ्लैट लेकर उन्होंने शेयर किया है और उस फ्लैट के वो थर्ड स्टोरी में वहाँ पे रह रहे हैं। जो है वो बहुत बीमार हो जाती है, कब? नवंबर में बहुत ज़्यादा बीमार होती है, उसको क्या हो जाता है? फेमोनिया। और वो वहाँ पे बेड के ऊपर हमेशा के लिए लेट जाती है और वो वहाँ से हिल नहीं पाती और वो क्या करती है, अपनी जो बेड की खिड़की विंडो है वहाँ से बाहर वो देखती है। और जो उसकी फ्रेंड स्यू है वो बहुत वरीड हो जाती है, वो डॉक्टर के पास भी जाती है, बट वो स्यू क्या देखती है, स्टिल देयर इज़ नो एनी चेंज इन जॉन्सिस कंडीशन। जो जॉन्सी की कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाती। One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Jonesy?" "No," replied Sue. "But why do you ask?" the doctor said. "Jonesy, it seems, has made her up mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her." तो क्या होता है, एक दिन डॉक्टर जब उसे एग्जामिन करने आता है, देखने आता है, तो वो क्या करता है कि स्यू को साइड पे लेकर उससे अलग रूम में लेकर उसको पूछता है कि क्या जॉन्सी को कोई चिंता वाली बात परेशान कर रही है। तो स्यू ने बोला, नहीं, आपने ऐसा क्यों पूछा? तो डॉक्टर ने बोला, जॉन्सी ऐसे देखने को लग रही है कि उसने अपना माइंड बना लिया है कि अब वो बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। अगर वो उसने अपना ऐसे माइंड बना लिया कि वो नहीं रहना चाहती तो मेडिसिन भी उसको कोई काम नहीं कर पाएगी। स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। She talked about clothes and fashions, but Jonesy didn't respond. तो जो स्यू है बहुत उसकी अच्छी फ्रेंड है, उसने क्या किया, अपने बेस्ट जो है वो वहाँ पे शो करती है जॉन्सी को, अच्छी अच्छी बातें करती हैं उससे और उसको अच्छे कपड़े फैशन के बारे में बताती है, बट जॉन्सी जो है उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। स्यू ब्रॉट हर ड्रॉइंग बोर्ड इन टू जॉन्सी रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। तो वो अपने बेड के ऊपर ही लेटी रहती है जॉन्सी, तो स्यू ने क्या किया, वो ड्राइंग बोर्ड लेकर आती है जॉन्सी के कमरे और पेंटिंग करना शुरू करती है। टू टेक जॉन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ड वाइल वर्किंग। तो वो क्या करती है, जब अपना काम करती है तो वो विसलिंग कर रही है, क्यों? क्योंकि वो जॉन्सी का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। Suddenly Sue heard Jonesy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Jonesy counting backwards. तो उसने क्या, अचानक स्यू ने उसकी जॉन्सी की आवाज़ सुनी, कुछ बोल रही है, तो वो भागी भागी उसके बेड के पास गई और उसने क्या सुना कि जॉन्सी जो है वो काउंटिंग जो है वो बैकवर्ड कर रही है। बैकवर्ड मीन जैसे हम काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3, वो वैसे नहीं कर रही थी, वो कैसे कर रही थी,
टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर ऐसे बोल रही थी. She was looking out of the window and was saying 12. After some time, she whispered 11, then 10 and 9, 8, 7. तो ऐसे वो बोल रही थी 12 और फिर उसके बाद 11, 10, मतलब वो उल्टी गिनती कर रही थी. Sue unconsciously looked out of the window. उसने जो Sue है उसने बहुत ही हैरानजनक उसने बाहर विंडो के बाहर देखा. She saw an old ivy creeper climbing half away up the brick wall opposite their window. तो उसने क्या देखा, ivy creeper जो था उनकी खिड़की से ऐसे लटक रहा था और उसे आधा दिखाई दे रहा था कहाँ से, उसकी खिड़की के बाहर. इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव. तो वहां पे बाहर बहुत ज्यादा सी क्या थी, हवा, ठंडी हवा चल रही थी जिसकी वजह से उस क्रीपर के जो पत्ते थे वो गिरने शुरू हो गए थे. एक्चुअली यहाँ पे जो जॉन्सी है वो क्या काउंटिंग कर रही थी, उसके लीव्स काउंट कर रही थी कि वो दिन ब दिन वो गिरते जा रहे थे. व्हाट इज इट डियर स्यू आस्क्ड सिक्स व्हिस्पर जॉन्सी. तो उसने स्यू ने पूछा ये क्या है सब. तो इतने में जॉन्सी ने क्या बोला, सिक्स दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ. वो कह रही है कि ये पत्ते अब बहुत जल्दी गिर रहे हैं. थ्री डेज अगो देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स. उसने बोला कि तीन दिन पहले यहाँ पे उसने काउंट किए थे टोटल 100 लीव्स थे बट अब वहाँ पे कितने रह गए, देयर वर ओनली 5 लेफ्ट नाउ. अब वहाँ पे सिर्फ 5 पत्ते बाकी बच गए हैं. तो इट इज़ ऑटम सेड स्यू. स्यू ने बोला अब तो ऑटम सीजन चल रहा है एंड द लीव्स विल फॉल. इस मौसम में तो पत्ते गिरते ही हैं. व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई सेड जॉन्सी विद फाइनलिटी. आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 डेज. तो जॉन्सी ने बोला जब इसका लास्ट पत्ता गिरेगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये पिछले 3 दिन से उसको ये एहसास हो रहा था. तो क्या जॉन्सी क्या काउंट कर रही थी, वहाँ उसके 100 लीव्स जो 3 दिन में गिर कर ओनली 5 लेफ्ट हो जाते हैं. बट स्यू कहती है कि ये ऑटम सीजन है बट जॉन्सी उसकी बात को इग्नोर करती है और वो कहती है कि जब इसका लास्ट पत्ता भी गिर जाएगा तो शी विल बी डाई. Oh, that's nonsense, replied Sue. Sue ने बोला ये सब बेवकूफ़ी बातें हैं. What have old ivy leaves to do with you getting well? The doctor is confident that you will get better. कहती ये पुराना आईवी जो क्रीपर है उससे तुम्हारा क्या अच्छा होने से क्या मतलब. डॉक्टर ने जब इतने कॉन्फिडेंट से बोला कि तुम ठीक हो रही हो, जॉन्सी डिडंट से एनीथिंग. जॉन्सी ने कुछ नहीं बोला. सियो वेंट एंड ब्रॉड हर अ बाउल ऑफ सूप. आई डोंट वांट एनी सूप सेड जॉन्सी. तो सियो उसके लिए सूप लेकर आती है लेकिन जॉन्सी उसको लेने से मना करती है. आई एम नॉट हंग्री. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last of one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. कहते अब मुझे देखना है कि अब वहाँ पे सिर्फ 4 पत्ते रह गए हैं, वो अंधेरा होने से पहले मैं देखना चाहती हूँ कि वो कैसे गिरते हैं. अगर लास्ट लीफ भी गिर गया तो वो भी हमेशा के लिए सो जाएगी. स्लीप फॉर एवर मीन्स कि वो भी डाई हो जाएगी. Sue sat on Johnsy bed. Kissed her and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear friend." तो अब वहाँ पे क्या था कि उनके घर में गरीबी भी थी. तो उसने बोला कि तुम ऐसे मत करो, मैं कर्टन को इधर नहीं करना चाहती. क्यों? क्योंकि वो उसको लाइट चाहिए थी और वो ड्राइंग फिनिश करके वहाँ से बेचकर उससे कुछ पैसे लेकर आना चाहती थी. शी बेग जॉन्सी प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट. तो उसने उसको बोला जॉन्सी को कि तुम ऐसे प्रॉमिस करो कि तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगे जब मैं पेंट कर रही हूँ. ऑल राइट सेड जॉन्सी. तो जॉन्सी ने बोला कि ठीक है, Finish your painting soon for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I have to die. So let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. तो जॉन्सी ने बोला तुम जल्दी जल्दी अपनी पेंटिंग ख़त्म करो, मैं वेट कर रही हूँ. अब मैं भी उन पत्तों की तरह जो गिर कर जा रहे हैं मैं भी उनकी तरह पीसफुली मरना चाहती हूँ. Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Brahman up to be my model. Sue rushed down.
भर्मन जो एक है दैट इज अनदर पर्सन इन दिस स्टोरी, एक ये मेन करेक्टर है जो यहाँ इस कहानी में ट्विस्ट लाने वाला है। तो वो कहती है कि तुम सोने की कोशिश करो, मैंने कुछ ऐसा पेंट करना है और मैं भर्मन सर को लेने जा रही हूँ, वो मेरे इसमें हेल्प कराएंगे। भर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वो ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। ही वॉज 60 ईयर्स ओल्ड पेंटर, वो कितने साल के थे, 60 ईयर के थे और वो भी पेंटर थे। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट ए मास्टर पीस बट दैट हैड रिमेन डे ड्रीम, उसका क्या सपना था कि वो एक पेंटिंग ऐसी बनाए जो मास्टर पीस रहे, लेकिन उसका वो ये ड्रीम कभी पूरा नहीं हुआ। सी पॉड आउट हर वरीज टू ब्राह्मण, शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, तो वो जाकर वो सारी बातें किससे बताती है, वो पेंटर से बातें करती है भर्मन से, और उसे बोलती है कि कैसे वो जॉन्सी सोचती है अगर लास्ट लीफ जो है वो गिरेगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। इज शी स्टूपिड आस्क्स भर्मन, हाउ कैन शी बी सो फुलिश, शी इज़ रनिंग हाई टेम्परेचर कंप्लेंट्स यू, तो उसने बोला कि क्या वो पागल है, बेवकूफ है, ये कैसे सोच रही है, कैसी बेवकूफ़ जैसी बातें सोच रही है। तो शिव ने बोला उसको बहुत ज़्यादा तेज बुखार है। शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक दैट वरीज मी अलॉट, और वो कुछ खाती पीती नहीं है जिससे मेरी और चिंता बढ़ रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, ब्राह्मण सेड, ब्राह्मण ने बोला चलो मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ और जॉन्सी को देखता हूँ। दे टिप टॉड इन टू द रूम, जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, तो वो जैसे रूम में आते हैं तो क्या है, जॉन्सी वो सो रही है। सी ड्रू द कर्टन्स टूगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, इट वॉज रेनिंग हैवली एंड एंड आईसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, तो अब देखा जब इसने जो कर्टन वहाँ से आगे किया तो देखा वहाँ पे सिर्फ एक लीफ रह गया था क्रीपर के ऊपर, और बारिश बहुत तेज हो रही थी और वहाँ पे बर्फ भी पड़ रही थी और इतनी तेज हवा जो है आइसी कोल्ड हवा चल रही थी। इट सीम्ड एज थ्रू द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, तो उसने देखा कि ये पत्ता तो कभी भी गिर सकता है। ब्राह्मण डिड नॉट से वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम, तो वो उसने बिना कोई शब्द बोले अपने कमरे में आ जाता है। जॉन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन ए फीबल वॉइस, शी आस्क्स यू टू ड्रॉ द कर्टन्स, शी वॉज नर्वस, शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिक्वेंटली, तो जॉन्सी जब अगली सुबह जब आ गई तो उसने अपनी वीक आवाज में बोला, फीबल मीन्स कमज़ोर आवाज़ में बोला कि तुम ये कर्टन्स जो है पीछे करो, और शिव बहुत नर्वस थी तो अब वो क्या, उसका तो कहना मानना था, उसने बहुत ही बड़े ध्यान से उसने जो कर्टन वो पीछे किए। ओ शिव एक्सलेंट, एज शी लुकड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड फायरी विंड्स, इट डिडंट फॉल, तो उसने सीयू ने क्या देखा, अरे देखो वहाँ पे अभी भी क्रीपर पे एक लास्ट लीफ जो है वो बचा हुआ है, एक लीफ है और वो अब भी ग्रीन है और हेल्दी लग रहा है, इतनी हवा और इतनी स्टॉर्म होने के बावजूद भी वो पत्ता वहाँ से नहीं गिरा। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, सेड जॉन्सी, आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, इट विल श्योरली फॉल टूडे, देन आई विल डाई, उसने बोला कि मैंने हाँ रात को तो बहुत तेज हवा चल रही थी, मैंने भी सुना था, मुझे लगा कि ये लास्ट जो पत्ता है वो गिर गया होगा, नहीं गिरा तो आज गिर जाएगा पक्का और मैं भी ख़त्म हो जाऊँगी। यू वॉन्ट डाई, सेट्स यू एनर्जेटिकली, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, बट वुड हैव happen to me if you die, तो उसने बोला कि तुम ऐसे नहीं मर सकती, तुम्हें अपने फ्रेंड के लिए जीना पड़ेगा, अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आईज, उसने बहुत स्माइल हल्की सी स्माइल की और वो फिर सो गई। आफ्टर एवरी आवर सो और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, तो जब भी वो जागती थी एक घंटे के बाद देखती थी कि वहाँ जो लीफ था वो वहीं पे ही था। इट सीम्स टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिडेंट फॉल,
और फिर वहाँ पे स्टॉर्म आया और वो लीफ जो नहीं गिरा था. जॉनसी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, देन शी कॉल्ड आउट स्यू. काफ़ी देर तक वो लीफ को देखती रही, फिर उसने स्यू को आवाज़ लगाई. आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुकड आफ्टर मी सो लवलिंग एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू. तो उसने बोला कि मैं तो एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, बुरी लड़की हूँ, तुम मेरा इतना ध्यान रख रही हो, इतने प्यार से मेरा ध्यान रखती हो और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती. आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं बहुत डिप्रेस्ड हो चुकी थी. द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन. तो अब मैंने देखा ये जो लास्ट लीफ है ये मुझे बता रहा है कि तुम बहुत मीन हो, बहुत मीन लड़की हो. आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई. अब मैं जान गई कि मैं ये बहुत बड़ा पाप है अपने आप को ख़त्म करना. स्यू हग जॉनसी, और इतनी बात सुनकर स्यू ने उसको अपनी बाहों में जगड़ लिया. देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड ए मिरर, उसको खाने के उसने बहुत गर्म सूप दिया और मिरर भी दिया. जॉनसी कॉम्ब्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली, और उसने अपने बालों में कंघी की और वो खुश हो गई. Afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, "You, Johnsy, now has the will to live. I am confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Berman. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him." तो उस आफ्टरनून में दोपहर को जब डॉक्टर देखने के लिए आता है किसको, जॉनसी को, और उसको एग्ज़ामिन करने के बाद वो सीओ से बोलते हैं कि जॉनसी अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, उसके जीने की जो जीने की इच्छा वो फिर जाग चुकी है. और वो कहता है कि अब उसे नीचे जाना है, ब्राह्मण को देखना है, और वो भी फेमोनिया से सफ़र कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएंगे. द नेक्स्ट मॉर्निंग सीओ केम एंड सेट ऑन जॉनसी बेड. Taking Johnsy's hand in her in hers, she said, "I have something to tell you." तो उसने जॉनसी के बेड के बैठकर उसके हाथ पकड़कर उसको बता रही है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ. मिस्टर ब्राह्मण डाइड ऑफ एमोनिया दिस मॉर्निंग. उस जो पेंटर थे जिन्होंने वो लास्ट लीफ बचे बनाई थी, वो स्टोरी में ट्विस्ट है. आप आगे देखो, वो उसको फेमोनिया हो गया और वो ख़त्म हो जाता है. ही वॉज इल फॉर ओनली टू डेज, वो सिर्फ दो दिन से बीमार था. द फर्स्ट डे द जॉइंटर फाउंडर फाउंड him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. तो पहले दिन क्या हुआ, वो स्टॉर्मी नाइट में बाहर था, वहाँ पे उसने क्या देखा कि उसके जो जूते कपड़े वो पूरे गीले हुए हुए थे और वो शिवर भी कर रहा था, कांप भी रहा था, और जिसकी वजह से उसको बुखार हो गया. Then they found a ladder and a lantern still lighted lay near his bed. तो उसने उसके बेड की तरफ क्या देखा, एक लाटन थी और एक सीढ़ी देखा. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. तो उसने क्या देखा कि उस सीढ़ी के पास कुछ जो पेंट करने वाले ब्रश भी थे, और उसमें क्या था वहाँ पे उस कलर कौन सा खिलरा हुआ था, ग्रीन कलर का बिखरा हुआ था और येलो कलर का. जॉनसी डियर सेड स्यू, Look out of the window. Look at the ivy leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? That's Brahman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. तो उसने बोला, सीयू ने बोला, जॉनसी डियर देखो बाहर विंडो की तरफ देखो, ये इस जो लास्ट लीफ है वो ब्राह्मण का मास्टरपीस है. उन्होंने उस रात को क्या किया था वहाँ पे, तुम्हारा जो ख्याल था उसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे क्या किया कि वहाँ पे उन्होंने अपना मास्टरपीस जो था, उसका ड्रीम था, वो वहाँ पे पूरा किया, उसका लीफ बना दिया उन्होंने वहाँ पे. और वहाँ पे उसने जजमेंट कर ली कि ये जो क्रीपर का लीफ है वो ऑलरेडी गिर चुके हैं, वहाँ पे जो लीफ उसको दिखाई दे रहा था जॉनसी का, दैट वॉज मेड बाय पेंटर ब्राह्मण, और ब्राह्मण का वो मास्टरपीस माना गया है जो उसकी लाइफ का एक
ड्रीम था। तो बच्चे इसमें ब्राह्मण ने जो मेन रोल किया है इसका, कि उसने जॉन्सी की जान बचाई कैसे, और उसने बाहर वहाँ पे एक लास्ट लीफ जो था वो पेंट करके लगा दिया, जिससे जॉन्सी को जीने की उमंग हुई और वो जल्दी ही ठीक हो गई। बट इतनी स्टॉर्मी नाइट में उन्होंने ये सब किया जिससे उनको फेमोनिया हो गया और उससे वो डाई हो गए। बट अपना वो लास्ट जो मास्टरपीस था उसका वो बनाकर गए थे। तो बच्चे इसी के साथ आपकी ये स्टोरी जो है वो फिनिश होती है। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ कमेंट इट इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय एजुप्रो क्लास चैनल। थैंक्स।